अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरी रोज़ा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैं और मेरी हस्बैंड एक साथ हम इफ्तार करते हैं, लेकिन आज उनको कुछ काम था तो वो उनको बाहर जाना पड़ा, तो आज मैं अकेली इफ्तार करूँगी। तो सिर्फ मेरे लिए ही जो बनाना है, सिर्फ मेरे लिए बनाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा इफ्तार के लिए और सहरी के लिए। और हाँ, मैं ना सहरी और इफ्तार दोनों का एक साथ ही बनाती हूँ, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ्तार के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाती, और मेरा बेटा भी है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है उसको संभालना, फिर कुकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि सब पहले ही ख़त्म करके रख दूँ। तो आज मैं इफ्तार में पुलाव बनाऊँगी। मेरी पुलाव बहुत सिंपल है, मैंने वेजेस के साथ बनाया है, बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम के साथ। तो मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं राइस ऐड करूँगी और राइस के साथ मैं कुछ देर और मैं फ्राई करूँगी, फिर मैं इनमें पानी ऐड करके 3 विसल के लिए मैं छोड़ दूँगी और बस मेरा पुलाव हो जाएगा। मैं कुकर में, प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ पुलाव, इससे मेरा काम बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। पुलाव मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं यहाँ पे मछली बनाऊँगी। छोटी मछली जो होती है ना, उसका करी बनाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ नहीं करना है, बस गरम तेल में आपको प्याज और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, फिर आपको टर्मरिक, हल्दी, चिली और धनिया का पाउडर ऐड करना है, हाफ टी स्पून। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी, तो मैं क्वांटिटी को बहुत ही कम रखूँगी। फिर टमाटर, फिर नमक, और इनको तब तक आप फ्राई कीजिए जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर आपको मछली ऐड करना है, छोटी जो मछली होती है, और मछली के साथ आपको कुछ देर फ्राई करना है। मैं यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इनका ना टूटने का चांस बहुत ज़्यादा है। यार, मेरे से ना सहरी में खाया ही नहीं जाता, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मैं सिर्फ इफ्तार में कुछ खा लेती और फिर बस हो गया, और मैं कुछ नहीं खाती। और सहरी में तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता, मैं बैठती हूँ खाने के लिए तो, और मुझसे खाया नहीं जाता है। तो इफ्तार मेरा टाइट रहता है, मैं हैवी इफ्तार करती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड नहीं है साथ में, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, वरना मैं हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स बनाती हूँ खाने के लिए। और हाँ, यहाँ पे मेरी पुलाव रेडी हो गया है और ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। और हाँ, बस इतना ही।